न्यूज टूडे इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के डीलर फेडरेशन इनके जनरल सेक्रेटरी हैं विशंबर बासु जी। सर, हमारे साथ बातचीत करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज क्या ज़रूरत पड़ी उत्तर दिनाजपुर डीलर एसोसिएशन के साथ आपका एक कंक्लेव देखने को मिला, और क्या वजह है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? दोस्तों, हमारी सारे देश में आंदोलन हमने शुरुआत की है, ऐलान किया मैंने, इसलिए मैं जिला में दौड़ा कर रहा हूँ, हर एक प्रदेशों में दौड़ा कर रहा हूँ। पहले 4 जुलाई को हमारे ब्लॉक लेवल पर, 11 जुलाई को जिला लेवल पर, 18 जुलाई को स्टेट लेवल पर आंदोलन करने के बाद हम 2 अगस्त को पार्लियामेंट घेराव करेंगे, पार्लियामेंट घेरेंगे और 9 सूत्री मांगों को लेकर 440 रुपया कमीशन कम से कम देनी चाहिए, 50,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी के साथ, और हरेक जनता को, हरेक परिवार को प्रति माह 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा होनी चाहिए। तीसरी मांगे है हमारी हैंडलिंग लॉस क्विंटल प्रति 1 किलो, हमारी फूड ग्रेड सारी अनाज, हमारे चौट के बोरी होनी चाहिए, चट के बोरी में भर के डिलीवरी होना चाहिए। और हमारी 5वां सूत्री मांगे है कि हमारी जो बकाया कमीशन जहाँ पर जो है उसको भी दिया जाए, और हमारे जो भारत सरकार 80 करोड़ 35 लाख आबादी को राशन जो दे रही है, देशवासियों की संख्या कम से कम 130 करोड़ आज पहुंचा है। तो जहां पर भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव पालन करने जा रही है, उस समय राइट टू फूड उनका सांविधानिक अधिकार हर एक भारतवासियों को लिए हम लड़ रहा हूँ, फूड फॉर ऑल। हमारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सबके लिए खाद्यान्न हमारी माध्यम से आवंटन करा रही है, बंगाल छोड़ के और सारे प्रदेशों में 35 प्रदेश है जिसमें सबके लिए राशन, सबके लिए खाद्यान्न, फूड फॉर ऑल नहीं है। तो हमारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉर्ट डीलर फेडरेशन 9 सूत्री मांगों के भीतर ये भी एक मांग को लेके हम लोग लड़ने जा रहा हूँ। तो ये जो डिमांड है आप लोगों का, कई सूत्री मांगों को लेकर, आप 9 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग दिल्ली का एक चलो नारा दे रहे हैं, तो ये तैयारी बिल्कुल एक तरह से कहें पूरे व्यापारिक रूप से एकदम हम कहें तो चल रहा है। लेकिन आज उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो डीलर एसोसिएशन ने करे पूरे टीम को लेकर आपका क्या फैसला रहा, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं उत्तर दिनाजपुर में दौरा करने आया हूँ, इसीलिए यहाँ पर यहाँ का दुकानदार लोग जो हमारा परिवार के सदस्य है वो भी हमारी आंदोलन में भाग ले। हम 2 अगस्त को दिल्ली पहुँचे, बुलंद करे आवाज़, हमको डीलरों को आवाज़ बुलंद करे, इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर दौरा करने आया हूँ। सर, हम जाते थे, हमें ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो फूड जो एक्ट जिन बता रहे हैं सबके लिए राशन का जो मामला है, तो ये एक तरह से एक्ट है, तो क्या दूसरे राज्यों में बंगाल की तरह राशन नहीं मिल रहा है जैसे आप बता रहे हैं? बंगाल की सरकार जातीय खाद्य सुरक्षा आयन के कानून के दायरे में 6 करोड़ 1 लाख 76 हज़ार जनता को भारत सरकार राशन देती है पश्चिम बंगाल में। 10.5 करोड़ आबादी में करीबन 4 करोड़ 48 लाख को राशन अपने जेब से सब्सिडी देकर ममता जी की सरकार सबके लिए राशन सिस्टम कोटेदारों के माध्यम से आवंटन करा रही है। अच्छा सर, आए दिन आप उत्तर दिनाजपुर जिले में आए तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि राशन डीलरों के साथ कभी कभी
ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि राशन डीलरों की जान भी चली जाती है, तो ऐसे में सरकार को राशन डीलर की सिक्योरिटी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए क्या उपाय होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अभी सितंबर महीना से पश्चिम बंगाल की सरकार एक गैर कानूनी काम चला रही है, एक गैर कानूनी इलीगल अकॉर्डिंग टू NFSA, जिसमें आपको दुआरे राशन सिस्टम बंगाल में चालू करने जा रही है। ये गैर कानूनी काम है, मैं इसको विरोध कर रहा हूँ। इसके विरोध में केस मैं डाल के हार भी गया, फिर भी मैं डिवीजन बेंच में गया और साथ साथ आंदोलन भी हम कर रहा हूँ। ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है। गैर कानूनी हमके द्वारा कराना सरकार को उचित नहीं है, और इसीलिए आप जनता के साथ, प्रशासन के साथ कहीं कहीं दुर्घटना घटी है। उत्तर दिनाजपुर में भी एक घटना घटी है जहां पर डीलर को मौत हुई है हार्ट अटैक के कारण। इसको विरोध हमने करना चाह रहे थे, बाकी उनका परिवार हमको करने नहीं दिया। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश भी किया, उनको डेथ बेनिफिट ऐसे बोल के कुछ नहीं है। वैसे इन जनरल ममता जी की सरकार 2020 का 12 फरवरी से 2 लाख रुपया हर एक मौत के परिवार के लिए ग्रांट की है, और सारे प्रदेश की सरकार कुछ गैर नहीं किया। सिर्फ कोरोना के मृत्यु के कारण राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया प्रति मृत्यु परिवार को दे चुका है, डीलर परिवार को। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सारी बातें ऐसी लगी जो डीलरों के फेवर में आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात को मैं इनकार कर रहा हूँ, सिर्फ डीलरों को लिए नहीं जी। मैं देशवासियों को लिए भी हमारी फेडरेशन लड़ रही है, काहे कि सबके लिए खाद्यान्न फूड फॉर ऑल वो देशवासियों के लिए है। जैसे चोट के बोरी में नानी बैग में राशन के आवंटन, वो भी डीलरों को लिए नहीं, सिर्फ डीलरों के लिए नहीं, आम जनता के लिए। एक धार सरकार कह रही है प्लास्टिक फेंको, प्लास्टिक हटाओ, नो प्लास्टिक, और एक धार में हमारे राशन प्लास्टिक के बोरी में आना उचित नहीं है, वो भी जनता के हित के लिए हम लड़ रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे, और उत्तर दिनाजपुर जिले के जो डीलर हैं उनके साथ उनका आज एक कन्वेंशन था किशनगंज के मयूर होटल में, हमारे से बातचीत कर रहे थे। इस तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। किशनगंज से आतुष मधुमचार के साथ मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ 2 रेडियो।